देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ में ऋचा शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। कभी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को चोर करार देते हैं और जनता से चौकीदार चोर है के नारे लगवाते हैं, तो कभी सत्ताधारी पक्ष के नेता हुए पप्पू और बच्चा करार देते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र के ऊपर एक बदनुमा कीड़े के समान है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि बचपना करना और कहना दोनों में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए काम किया है और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली है। चाहे देश भर में गरीब परिवारों को गैस वितरण का मामला हो या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो, हर मामले में नरेंद्र मोदी अव्वल रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का कृत्य और बयान दोनों ही बचकाना है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान देश के उन सैनिकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के मान को बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी के बयान को और कृत्य को दोनों को बचकाना माना जा सकता है और आज तो देश के साथ बचकानापन कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के सैनिकों के उस सम्मान को खत्म कर रहे हैं जो उन्होंने एयर स्ट्राइक पर और सर्जिकल स्ट्राइक कर करके किया, उस पर भी आपत्ति उठा रहे हैं। हमारे एयर स्ट्राइक करने वाले जाएंगे तो क्या वहाँ से लाश के टुकड़े लेकर के आएंगे? वो तो लाश का सबूत मांगते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के लिए एक घिनौने बदनुमे कीड़े के समान है। भाजपा इस बार भगवान राम की जगह राष्ट्रवाद पर वोट मांग रही है। इस देश को पूर्व की कांग्रेस ने आजादी दिलाई, आज वर्तमान कांग्रेस गुलाम बनाने पर तुली है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस बार पहले से ज्यादा संख्या हमारे पार्लियामेंट में होगी और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभाओं को संबोधित करते रहे हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार चोरी और घोटाले करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका चौकीदार चोर है का नारा भी बेहद फेमस हो गया है जिसका हर सभाओं में उपयोग करते हैं। वही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांगते हैं जिसे लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री ने उन पर निशाना साधा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।